कौन सा खत्म किया था, कौन सा पार्ट, पार्ट चार, मैं बिना कमाता है कि नहीं। ये कविता की एक सैनिक, एक बच्चा सैनिक के बारे में सोचकर मैं भी ऐसा सैनिक बनूं। तो आगे क्या सा है, जिसकी मेहनत उसकी जीत। क्या है, जिसकी मेहनत उसकी जीत। क्या है ये कथा, बेखता पहने पढ़ने से पहले उसकी शब्दात हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 30 ओपन करो, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो बच्चों, इस पेज नंबर 30। सो पहले हम शब्दात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्दात। क्या है पहला, बिल। बिल यानी चींटी का निवास स्थान, बिल यानी निवास, बिल यानी निवास। हमदर्दी, सहानुभूति देखना, एक के प्रति सहानुभूति करना यानी हमदर्दी। सहानुभूति, खुद यानी स्वयं, खुद यानी स्वयं, अपने आप खुद स्वयं। कोशिश, प्रयत्न, कोशिश प्रयत्न। पढ़ाई भी करना, इसलिए हम क्या करना है, हमको मेहनत से काम करना है।
मम्मी को हेल्प करना, पापा को हेल्प करना, अपनी क्या कर दे तो आज हम घर में रहते तो हमारे पापा को, हमारे मम्मी को हेल्प करना चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चींटी की स्टोरी दिया गया है। चींटी क्या है आपको मालूम है? चींटी यानी एंट। चींटी यानी क्या है? एंट। एंट अपनी मेहनत से अपना काम कैसे खुद करता है? वो आत्मविश्वास से निडर होकर अपना काम अपना ही, वो छोटा रहता है, इतना ही रहता है, आंख को दिखाई भी नहीं देता वो चींटी, लेकिन वो अपने काम खुद करता हो। जैसे आज हम उसकी स्टोरी पढ़ते हैं। चलो बच्चों, आज हम उसकी स्टोरी प्रारंभ करते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकता है। छात्र यानी स्टूडेंट, हम स्टूडेंट यानी दूसरे लोग इस पाठ से क्या सीख सकते हैं? अनुशासन, नियम का पालन कैसे करना, मेहनत कैसे करना, हम आत्मविश्वास, काम करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है बच्चों, है कि नहीं? यस। सो इस पाठ से हमें आत्मविश्वास मिलता है, अनुशासन का पालन करना कैसे मालूम होता है, मेहनत करने से हमें क्या प्राप्त होता है, वो भी हमें इस पाठ से सीख मिलती है। चलो बच्चों, आज मैं पढ़ती जाती हूँ, आपको फॉलो अप करते जाओ। एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। एक चींटी चने की एक दाल मिला था उसको, ग्रेन दाल यानी ग्रेन, ग्रेन मिला था उसे, उसकी आसपास ही वो घूम रहा था। यहाँ पर दाल हो तो इसके आसपास यहाँ वहाँ भटक रहा था। इसको कैसे ले जाऊँ मेरे घर तक, मेरे निवास तक, मेरे बिल तक, कैसे लाऊँ, ऐसे सोच में ये क्या रहा था, भटक रहा था। एंड टीलू ने पूछा, टीलू यानी एक बालक, कौन? टीलू। टीलू पूछा कि चींटी रानी यह क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो चींटी रानी? यहाँ पर एंड था और चींटी रानी को टीलू ने पूछा तुम क्या कर रही हो। टीलू एंटी के नियम बनाती कि रुके, मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ। सो एंड टोल्ड दैट मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ, मैं इस दाल को अपने बिल तक लेना चाहती हूँ, लेकर जाना चाहती हूँ। खाकर चींटी नाचने लगी, खुशी से नाचने लगी, उसको खाना मिला, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? टीलू ने पूछा मैं तो इसको मैं तुम्हारे बिल तक, तुम्हारे निवास तक पहुंचा दूं? टीलू ने हमदर्दी से पूछा। चींटी बोली नहीं मैं इस खुद ले जाऊंगी। चींटी बोली नहीं नहीं मैं इसे खुद ही अपने आप ले जाऊंगी। कौन कहा? एंट ने बोला। एंट ने टीलू को बोला मैं इस दाल को अपने आप ले जाऊंगी, अगर तुम इसे न ले जा सकती तो क्या करोगी? टीलू ने फिर से पूछा एंट को, इस दाल को तू नहीं ले जाती तो क्या होता है? टीलू ने धीरे से पूछा। विश्वास के साथ चींटी ने कहा कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, मैं इस दाल को ले ना जा सकी तो भी मैं हारूंगी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करते मैं बार बार मेहनत करी तो इस दाल को अपने बिल तक ले जा सकती हूँ। ऐसा उसका आत्मविश्वास था कि उस दाल को ले जा सकता। तुम इतनी मेहनत करेगी? टीलू ने फिर पूछा। फिर टीलू ने पूछा कि तू इतनी मेहनत करेगी इस दाल को, इस बड़े दाल को, तू तो इतना है, तू इस बड़ा दाल को ले जाएगा? गुस्सा पर टीलू ने फिर पूछा तो इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। गुस्से से कहा, वह बोली मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। गुस्से से बोली वो, बहुत गुस्सा आया उसको।
क्यों वह घुसाया पूछा था टीलू, तू इस बड़ा घर को ले जाएगा? लेकिन चींटी ने बोला, मेहनत करने से बहुत बड़ा अच्छा होता है। अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम मुझे काम करने दो, तू बात मत कर मुझसे, मेरा काम करने दो मुझे, ऐसा चींटी बोला। टीलू वहां से चुपचाप हट गया। टीलू वहां से जा निकला, बाहर गया और चींटी अपने अपना काम कर रही थी। इस दाल को लिया, थोड़ी थोड़ी देर तक वो चलते गई। थोड़ी देर बाद टीलू वहां गया, फिर कुछ वक्त के बाद टीलू आया और देखा वहां पर दाल ही नहीं था। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं था, यहाँ पर दाल नहीं था। कुछ ही देर कुछ दूरी पर चींटियां कतार के एक पीछे एक चने की दाल को घसीटे ले जा रही थी। क्या कर रहे थे वो? यहाँ चींटियों का लाइन भर चुका था। ये दाल को अपनी एक एक दाल को चींटियां ले जा रही थी। टीलू ने देखा, तब टीलू को लगा इनसे सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। कुछ देर बाद कतार के पीछे एक दाल घसीटने ले जा रही थी। लाइन देखा वो टीलू ने दाल को लेते हुए। कौन ले जा रहे थे? चींटियां ले जा रहे थे, एक पीछे एक। कहां पर? अपने बिल तक। तो तब टीलू को लगा इनसे हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। इनका सहयोग, इनका एक के पीछे एक जा रहे थे ना, उनके हेल्पिंग नेचर को, उनका गैदरिंग वक्कट्टु नावेन हेळ्तेवि वक्कट्टु अवरन्न नोडि नावु कलिबेकु अंत टीलू कनसु। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆ, ಒಂದು ಇಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ, ನೀವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಜ್ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಸೀಖೆ? ಎಸ್, ಜಿಸ್ಕಿ ಮೆಹನತ್ ಉಸ್ಕಿ ಜೀತ್. ಕೌನ್ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ಕೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ನಾ, उसको जरूर जीत मिलेगी बच्चों। अच्छा बच्चों, आज ये पार्ट खत्म हुआ। आज हम क्या करेंगे, इस वाक्य, इस प्रश्न, इस पार्ट के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो टर्न द पेज, मैं पहले बताती जाती हूँ आपको क्या करना है। इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी नोटबुक में लिखना है। यस, सो फर्स्ट यू राइट द शब्दार्थ। In your Facebook, first you write difficult words, afterwards you write shabdhat, difficult words and meanings, and next you wrote question answers. So now we will start question answers. Pehla prashna, चींटी कहां गोल गोल घुमा रही थी? यस, प्रश्न उत्तर, मैं यहां पर खाली आंसर्स लिख रही हूं बच्चों, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिया गया है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन भी लिखना है, फिर बाद उसका आंसर लिखना है। सो चींटी कहां गोल गोल घूम रही थी? चींटी आसपास गोल गोल घूम रही थी। चींटी आसपास दाल के आसपास गोल गोल घूम रही थी। चींटी के प्रति टीलू ने
आकृति दिखाई। मैं तुम्हारी बिल तक टीलू ने हमदर्दी से पूछा। आत्मविश्वास तथा अनुशासन मूल्यों को सीखा। टीलू ने अनुशासन सीखी। टीलू ने अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास से काम करना सीखी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखो। चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? चींटी ने विश्वास से कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, बार बार कोशिश करूंगा तो मुझे पक्का विश्वास कि जरूर सफल होगी, मैं जरूर सफल होगी, ऐसा उसने टीलू को बोला। कौन बोला? एंड चींटी। नेक्स्ट, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? मेहनत करने के बाद चींटी ने क्या कहा? मेहनत करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा चींटी ने कहा। मैं इसकी आपको नोट्स भेजती हूँ, आपको क्या करना है? कॉपी करना है बच्चों। यस, विलोम शब्द, विलोम शब्द मैं बताती जाती हूँ, अपनी पेंसिल से आपको लिखना है। पास, दूर। विश्वास, अविश्वास। बहुत, कम। पीछे, आगे। हार, जीत। सो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। सही शब्द को खाली जगह भरो, इन वर्णों को चुनकर शब्द बनाओ, कन्नड़ में अनुवाद करो, खाली जगह भरो, विजातीय शब्द चुनकर लिखो, समानार्थक शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको क्या करना है? आप ही खुद अपनी ग्रामर अपने नोटबुक में प्रयत्न करो, बाद में इसकी मैं नोट्स भेजती हूँ, आप घर में बैठकर